पूरी दुनिया में करीब 10 लाख से भी ऊपर फ्लाइट्स रोज आसमान से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इंडिया में ही रोज 70 से 80 हजार फ्लाइट्स डेली उड़ती हैं। अगर एनालिटिक्स की माने तो हवाई यात्रा दुनिया की सबसे सेफ ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, क्योंकि बाकी सभी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जैसे ट्रेन, शिप्स या रोड जैसे मीडियम में हादसे काफी ज्यादा होते हैं और उसमें मरने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है। वेल, आपके साथ ऐसा कभी न कभी तो हुआ ही होगा। आप किसी काम से कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। काफी बड़ी प्रॉब्लम है ना? लेकिन सोचो, एक हवाई जहाज आसमान में करीब 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और अचानक से अगर उसका फ्यूल खत्म हो जाए, अब इसके सामने आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, राइट? ऐसा ही कुछ 1983 में एयर कैनेडा फ्लाइट 143 में हुआ था। इस घटना से एक दिन पहले ये फ्लाइट टोरंटो से एडमंटन गई, जहां उसे रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप करवाना था। 23 जुलाई 1983 की सुबह प्लेन एडमंटन से मॉन्ट्रियल की तरफ चल दिया। मॉन्ट्रियल पहुंचकर फ्लाइट मेंबर्स को अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करनी थी। यहीं पर एंट्री होती है इस प्लेन के नए पायलट कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन की, जिनके पास करीब 15,000 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है। एविएशन इंडस्ट्री में आपके एक्सपीरियंस को घंटों में रिकॉर्ड किया जाता है और 15,000 घंटे का एक्सपीरियंस उस वक्त के कुछ चुनिंदा पायलट्स के पास ही था। उनके साथ इस प्लेन को उड़ाने आए थे फर्स्ट ऑफिसर मोरिस क्वांटल, जिनके पास करीब 7,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ये वो वक्त था जब कनाडा अपने पुराने मेजरमेंट सिस्टम यानी इंपीरियल यूनिट से नए मेट्रिक सिस्टम में अपग्रेड कर रहा था। इंपीरियल यूनिट और मेट्रिक सिस्टम यूनिट मेजरमेंट सिस्टम्स हैं। जैसे आज दुनिया में हर जगह SI यूनिट इस्तेमाल की जाती है, वैसे ही उस वक्त इन दोनों मेजरमेंट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता था और ये अपग्रेडेशन प्रोसेस ही इस दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बन गई। प्रॉब्लम ये हुई कि कनाडा एविएशन इंडस्ट्री उस वक्त सभी 767 प्लेन्स में नया मेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बाकी सभी प्लेन्स में वही पुराना इंपीरियल यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था। रिफ्यूलिंग टीम को फ्लाइट नंबर 143 में 22,300 किलोग्राम फ्यूल भरने के लिए बोला गया। अब ये फ्लाइट एयर कैनेडा 143 भी एक 767 प्लेन ही था, लेकिन बिल्कुल नया होने की वजह से रिफ्यूल टीम को लगा कि इसमें भी पुराना इंपीरियल यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाना है और उन्होंने 22,300 किलो की जगह उसमें केवल 22,300 पाउंड्स फ्यूल भरा, जो कि जरूरत से करीब आधा ही फ्यूल था। अब फ्लाइट क्रू ने गलती ये कर दी कि उन्होंने टेक ऑफ से पहले फ्यूल लेवल्स को बिना चेक किए ही रिफ्यूलिंग टीम को कंफर्मेशन दे दिया और टेक ऑफ कर लिया। अब आसमान में करीब 41,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन को एक सिग्नल दिखाई देता है, जो ये बताता है कि प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। वो लोग मॉन्ट्रियल से फ्यूल भरकर वापस एडमंटन जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें एक इंजन बंद होने की खबर मिली तो वो बीच रास्ते पर ही थे। उनके सबसे पास एक छोटा विनिपेग एयरपोर्ट था। फ्लाइट कैप्टन ने सोचा कि हम वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट इंजन के बंद होने के थोड़ी देर बाद ही राइट इंजन भी बंद हो गया। जब कैप्टन ने इसकी वजह जानने की कोशिश करी तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जमीन से करीब 41,000 फीट ऊपर हवा में प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया है। प्लेन्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो टर्बाइन के घूमने से ही जनरेट होती है। अब प्लेन्स के दोनों टर्बाइन्स सिर्फ और सिर्फ हवा की मदद से घूम रहे थे, इसीलिए वो इतनी तेजी से घूम नहीं पा रहे थे कि वो पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी दे पाएं। इसीलिए कॉकपिट में बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी और इसी वजह से बहुत सारे मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बंद हो गए थे। कैप्टन पियर्सन और उनके फर्स्ट ऑफिसर को मिलकर जल्दी से ये डिसाइड करना था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उनके क्रू और 61 पैसेंजर्स की जिंदगी अब उन दोनों के हाथों में थी। उनके पास फ्यूल नहीं था, उनके दोनों इंजन बंद हो चुके थे, लाइट न होने की वजह से वहाँ के काफी इंस्ट्रूमेंट्स भी बंद पड़ गए थे, केवल कुछ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स ही काम कर रहे थे। अब उन्होंने सबसे पहले 767 प्लेन्स का इमरजेंसी गाइड मैनुअल खोला और ये देखना शुरू किया कि दोनों इंजन के बंद हो जाने पर उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत ढूंढने पर उन्हें पता चला कि उस मैनुअल में ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। उस दिन से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था और मैनुअल बनाने वाली टीम ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ऐसी कंडीशन भी कभी आ सकती है और इसीलिए उस मैनुअल में इसका कोई उपाय नहीं मौजूद था। कैप्टन पियर्सन ने प्लेन को वहीं कहीं सुपर सीरियस लैंडिंग करवाने का फैसला किया। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये थी कि लाइट न होने की वजह से उनका वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर और एल्टीट्यूड इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, यानी उनके पास ये जानने का कोई भी तरीका नहीं था कि वो कितनी ऊंचाई पर हैं और कितनी स्पीड से नीचे जा रहे हैं। कैप्टन ने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया और प्लेन को नीचे की तरफ ग्लाइड करवाना शुरू कर दिया। कैप्टन 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेन को नीचे ग्लाइड कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर ये कैलकुलेट
कर रहे थे कि इस स्पीड से हम नीचे विनिपेग के इमरजेंसी लैंडिंग स्पॉट पर पहुंच सकते हैं या नहीं। प्लेन में मौजूद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम द्वारा बताए गए डिस्टेंस को कैलकुलेट करने पर कि वो काफी तेजी से नीचे जा रहे हैं और बहुत ही कम आगे बढ़ पा रहे हैं और इस कंडीशन में वो दिए गए इमरजेंसी स्पॉट पर नहीं पहुंच सकते। तभी फर्स्ट ऑफिसर को उनके पुराने एयरफोर्स बेस गिमली की याद आई जो वहीं पास में मौजूद था। कैप्टन पियर्सन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कैलकुलेट किया कि शायद वो वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनमें से भी किसी को ये बात पता नहीं थी कि उस बेस को वहां से हटाकर अब वहां रेस ट्रैक बना दिया गया है। वेल, कोई बात नहीं, रेस ट्रैक पर भी तो इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है, लेकिन अगर वो खाली हो तो। उस वक्त वहां पर एक रेस चल रही थी और पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। लकीली उस रेस ट्रैक का ड्रैग स्ट्रिप यानी जहां ड्रैग रेसिंग करी जाती है वो हिस्सा खाली था। कैप्टन ने प्लेन को वहीं लैंड करवाने का फैसला किया। प्लेन के लैंडिंग गियर्स को ग्रेविटी ड्रॉप की मदद से बाहर निकाला गया। किसी भी तरह की लैंडिंग के लिए उनकी वर्टिकल स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन उनके पास ये रिस्क लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो उनकी लैंडिंग को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना सकता था। पहला, क्योंकि प्लेन के इंजन्स काम नहीं कर रहे थे और प्लेन्स में लाइट भी नहीं थी तो उसमें कोई भी आवाज नहीं हो रही थी और बिना लाइट्स के उसे देख पाना भी काफी मुश्किल था। इसीलिए नीचे मौजूद लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ क्या आ रहा है। दूसरा, उनके फ्रंट व्हील जिसे नोज व्हील भी कहते हैं, ग्रेविटी ड्रॉप के वक्त वो ठीक से लॉक नहीं हो पाया था। तीसरा, जब वो ऊपर हवा में थे तो उनकी हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा थी तो ये टरबाइन ब्लेड्स इसमें से पास हो रही हवा की वजह से काफी तेजी से घूम रहे थे और ठीक ठाक पावर जनरेट कर पा रहे थे जिससे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन अब नीचे आने के बाद और हॉरिजॉन्टल स्पीड कम होने की वजह से ब्लेड्स बहुत ही धीरे धीरे घूम रहे थे जिसकी वजह से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में पूरी पावर नहीं पहुंच पा रही थी और इसकी वजह से प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे में दो बहुत ही अच्छी चीज हुई जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों की जान बच गई। पहला, नोज व्हील ठीक से लॉक नहीं हुआ था। अब जैसे ही प्लेन ने जमीन पर पहला कांटेक्ट किया, कैप्टन पियर्सन ने पूरी फोर्स के साथ ब्रेक लगाया जिसकी वजह से वो नोज व्हील वापस अंदर चला गया और प्लेन का आगे का हिस्सा जमीन से जा टकराया और उसने एक अच्छा खासा बाउंस लिया और फिर दोबारा वो जमीन से टकरा गया और जमीन पर घिसता चला गया। इसकी फ्रिक्शन की वजह से प्लेन की स्पीड काफी कम हो गई। अब ये अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि अगर फ्रंट व्हील लॉक हो जाता तो पूरी तरह ब्रेक लगाने के बाद भी वो इतनी जल्दी इस प्लेन को इतना ज्यादा स्लो नहीं कर पाते और शायद वो प्लेन वहाँ पर मौजूद बैठने वाली जगह पर जहाँ काफी सारे लोग बैठकर रेस देख रहे थे उससे जा टकराता। अब कैप्टन ने पिछले व्हील्स के केवल राइट ब्रेक लगाए जिससे मेन लैंडिंग गियर टूट गया और प्लेन का सेंटर वाला पार्ट भी जमीन से टच हो गया और इससे और भी ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट हुआ और आखिरकार प्लेन रुक गया। फ्यूल खत्म होने और दोनों इंजन्स के बंद होने के करीब 17 मिनट बाद प्लेन जमीन पर लैंड हो चुका था। इस हादसे में किसी को भी ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी। कैप्टन पियर्सन को 6 महीने के लिए डिमोट कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि ऐसा उन दोनों की वजह से भी हुआ था। उन्होंने बिना फ्यूल लेवल चेक किए फ्यूल का क्लियरेंस दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी ऐसी कंडीशन में प्लेन को सही सलामत लैंड करवाने की वजह से उन दोनों को आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप की वजह से FAI ने सम्मानित किया और उन्होंने अपना पायलट करियर जारी रखा। उस 767 प्लेन ने भी कुछ मेंटेनेंस करवाने के बाद एयर कनाडा के लिए बहुत सारी उड़ानें भरी और करीब 25 साल बाद 2008 में उसे रिटायर कर दिया गया। वो 17 मिनट उस प्लेन में मौजूद हर एक इंसान कभी भी नहीं भूल पाएगा। क्या आपने कभी प्लेन्स में सफर किया है, और अगर हाँ तो प्लेन्स में जो कभी कभी टर्बुलेंस आती है क्या आपको उससे डर लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप में से जो भी पायलट बनना चाहता है उसे उन पायलट से बहुत कुछ सीखना चाहिए।